बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 तो खत्म हुए, काफी वक्त हो चला है, लेकिन अब इन सभी कंटेस्टेंट्स ने रीयूनियन पार्टी की है। जी हाँ, बताया जा रहा था कि सलमान खान की तरफ से ये रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जहां बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के तमाम कंटेस्टेंट्स को इनवाइट किया गया था। लेकिन इस पार्टी में कुछ फेमस और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की आन बान और शान कहे जाने वाले कंटेस्टेंट तो दिखाई ही नहीं दिए। जी हाँ दोस्तों, एल्विश यादव भी सिर्फ मात्र 20 मिनट के लिए उस पार्टी को अटेंड करने आए। और वहीं बात करें अभिषेक और मनीषा की, तो भाई वो दोनों तो इस पार्टी में नजर ही नहीं आए। इनफैक्ट उनके अलावा जिया शंकर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी भी इस पार्टी में नजर नहीं आई। इस पार्टी का हिस्सा बनना तो दूर, इनफैक्ट उन सभी में से किसी ने इस पार्टी का जिक्र भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी तक पर नहीं किया। एल्विश यादव के ब्लॉग से पता चला कि जिया शंकर पहले ही मना कर चुकी थी कि वो उस पार्टी में नहीं आने वाली हैं। वहीं एल्विश यादव भी ये कहते नजर आए कि जब कोई नहीं आ रहा तो मैं भी क्यों आ रहा हूं। और यही वजह बताई जा रही है कि एल्विश यादव उस पार्टी से सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही निकल गए। बात करें अभिषेक, मनीषा और जिया के ना आने की, तो भाई खबरी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिस ट्वीट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये पार्टी सलमान खान ने नहीं बल्कि उस होटल के ओनर ने रखी थी, ताकि उसके होटल की पब्लिसिटी हो पाए और ये पब्लिसिटी और ये उस रेस्टोरेंट को हाइप ना मिले, इस वजह से अभिषेक, मनीषा और जिया शंकर वहां नहीं आए। ऐसा इस ट्वीट के मुताबिक इस वक्त बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस पार्टी का हिस्सा बेबिका धुर्वे, पूजा भट्ट, पलक नाज, अविनाश सचदेवा, आशिका भाटिया, आकांक्षा पुरी और पलक पुरस्वानी रहे। वहीं थोड़ी देर के लिए एल्विश यादव, जो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर भी रहे थे, उन्होंने भी इस पार्टी में शिरकत की, लेकिन वो काफी जल्दी निकल गए क्योंकि उनके दोस्त तो यहाँ थे ही नहीं। बात करें मनीषा और अभिषेक की, तो भाई ये दोनों अपने अपने काम में काफी बिजी नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि इसी के चलते वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं बने। लेकिन इस ट्वीट के सामने आते ही काफी सारी सच्चाइयां सामने आ गई। आपको बता दें अभिषेक मल्हान जल्द ही नेटफ्लिक्स के किसी प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं, और वहीं मनीषा रानी इन दिनों टोनी कक्कर के साथ अपने म्यूजिक वीडियो को लेकर काफी लाइमलाइट में है और बैक टू बैक मीटिंग्स और अपने शूट्स में लगी हुई है। बात करें एल्विश यादव की, तो एल्विश यादव अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके हाल ही में मुंबई लौटे और वहां से पार्टी में पहुंचे। पार्टी से निकलने के बाद अब वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर ध्यान देने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये रीयूनियन पार्टी का आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस रीयूनियन पार्टी का हिस्सा सलमान खान भी नहीं रहे, और बताया जा रहा था कि ये पार्टी खुद सलमान खान ने रखी है। वेल, ऐसा बहुत कम होता है। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट, और बिग बॉस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखना ना भूलें फिल्मी बीट को। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को वहां भी फॉलो करें।